साथ उन हालात को गौर से देखे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान मुसलसल कोशिश कर रही है कि हालात बेहतर हों। तबाही पे जा चुका है शहर, हम चाहते हैं यहाँ अमन हो, सुकून हो। हम जो सियासत कर रहे हैं, हम उसी की तलाश में जद्दोजहद कर रहे हैं। हमने कई बार हुकूमत वक्त को ये बताया, चाहे वो माजी की हुकूमत हो, पीटीआई की, इमरान खान साहब की सरबराई में कराची का मैंडेट उनको दिया कि यहाँ अमन हो, सुकून हो, हमारे जो लोग लापता हो गए हैं वो वापस अपने घरों को आ जाएं। हमने पीटीआई को सपोर्ट किया, इमरान खान को वजीर आजम बनाया इसी वादे पे कि मेरे भाई मेरे दोस्त अपने घर आ जाएंगे। उसने 3.5 साल हमसे वादे किए, कोई वादा पूरा नहीं किया। हमसे कहता था कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे मिसिंग पर्सन लापता अफराद कहाँ हैं, हमारे पास नहीं हैं। मेरे महकमे मेरे इदारे ये कहते हैं, ये इमरान खान साहब ने जो कहा वो आपके सामने रख रहा हूँ कि जो लापता मेरे दोस्त साथी मेरे भाई हैं वो हमारे पास नहीं हैं। तो मेरा सवाल इमरान खान तुमसे बनता है फिलहाल कि ये लाशें कहाँ से मिल रही हैं, जब तुम्हारे पास नहीं थे, तुम्हारे इदारों के पास नहीं थे, तो ये लाशें हमें क्यों दे रहे हो, ये कहां से आ रही हैं? उसके बाद कराची वालों इसी डिमांड के लिए दूसरी हुकूमतों से इल्हाक किया, कागज पे एग्रीमेंट किया नून से, पीपल्स पार्टी से, मौलाना फजल रहमान से कि एमक्यूएम के मिसिंग पर्सन अपने घर आ जाएं। हमें और कुछ नहीं चाहिए, जेलों से साथी रहा हो जाएं। मगर इन तीनों बड़ी सियासी जमातों के साथ माहिदा करने के बावजूद लाशें मिल रही हैं। शहबाज शरीफ साहब, आपको इसलिए वजीर आजम बनवाया था कराची वालों ने कि लाशें उठाएं। शहबाज शरीफ साहब, कराची के लोग, मैं एमकेएम की बात नहीं कर रहा, कराची के लोग आपसे पूछ रहे हैं कि हम क्या करें, बताओ कहां जाएं, या कोई बम बम मरवा दो कराची पे ताकि सारे फारिग हो जाएं। ये एक एक करके जो लाशें दे रहे हो, हमारे 100 से ज्यादा मिसिंग पर्सन्स हैं, अभी भी हैं, पिटीशन पेंडिंग है कोर्ट्स के अंदर। चीफ जस्टिस साहब कहां सोए में हैं, कराची के लोग लाशें उठा रहे हैं 20-25 सालों से, कौन पुरसाने हाल होगा इसका? हम क्या करें, हम बंद कर दें अपनी सियासत, अपना ऑफिस बंद कर दें? आप बता दो हमें। बाजवा साहब, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग बता दें हमें, हम बंद कर देते हैं अपने ऑफिस, हम अपने जो 7 वोट आप हमारे इस्तेमाल करते हो इक्तदार में आने के लिए, हमारा भी तो मसला हल करो। आप तो इक्तदार में आ जाते हो हमारे 7 वोटों की वजह से, हम कहां जाएं, हम किससे इल्तजा करें? मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इल्तजा करता हूं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से इल्तजा करता हूं, ये तरीका नहीं है। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, गुनाह किया है, आईन की खिलाफ वर्जी की है, तो कानून के मुताबिक सजा दें, लाशें मत दें। जो हिंदुस्तान के कैदी आपके पास हैं, जो जासूस आपने पकड़े हुए हैं, जो गद्दार पाकिस्तान हैं, जो दुश्मन पाकिस्तान हैं, उनके साथ तो सलूक ऐसा नहीं हो रहा, वो तो जेलों में हैं, उनके साथ तो ये सलूक नहीं हो रहा। मेरे भाई के नाखून निकाले हुए थे, करंट लगाया हुआ था, क्या जुर्म किया था इसने? अगर किया भी था तो कानून के हवाले करते, जेल में डालते, एक मुकदमा चलता, अदलिया फैसला करती। आपको किसने हक दिया था
कि इस तरह से जान से मार के फेंक दो, बस कर दो, बस हम थक गए हैं। अब 22 के बाद जो हमने जद्दोजहद की है वो अमन और सुकून के लिए की है। ये कराची वालों ने जो 7 वोट दिए हैं ये अपने अमन और सुकून के लिए दिए थे। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से ये कहूंगा कि इसको अब बहुत सर से पानी गुजर गया, अब इसको सीरियस ले लें। हमसे वादा किया है इंटीरियर मिनिस्टर ने कि मैं भाद्राबाद आऊंगा, देखते हैं आके क्या तीर चलाते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया है कि मैं सूबाई लेवल और फेडरल लेवल पे कमेटी फॉर्म करता हूं, जिन्होंने ये काम किया है उसको सजा दिलवाऊंगा, देखते हैं। कराची वालों, वही बातें तुम्हारे सामने रख रहा हूं जो इन साहिब इक्तदार ने हमसे की हैं, देखते हैं क्या करेंगे ये इनको कत्ल करने वालों को पकड़ेंगे या नहीं। जो भी फैसला इनकी तरफ से आएगा, कमेटी का रिजल्ट आएगा, हम आपके सामने रखेंगे। मगर मैं ये बताता चलूं कि इस तदफीन के बाद हम राबता कमेटी इजलास पे बैठेगी भाद्राबाद में, और हम आने वाले वक्त में लाए अमल देंगे। अब हम भी थक गए हैं। हम 3 दिन तक एमक्यूएम पाकिस्तान कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेगी इसके सोग में, तो देखते हैं हुकूमत वक्त इदारे क्या करते हैं, हमारे इन आंसुओं को पूछते हैं या जख्मों पे मजीद नमक डालते हैं। एक बात और करता चलूं, वजीर आजम साहब, आप लोगों की जब जरूरत होती है हम पूरी कर देते हैं। हम शरीफ लोग हैं, हम वो जद्दी पुश्ती सियासतदान नहीं हैं, हम पेशावर सियासतदान नहीं हैं। हम मजबूरन इस फील्ड में आए हैं कि कराची के लोग, सिंध के अंदरूनी सिंध के इलाकों के लोग जो मुश्किल में हैं, हम उनको निकाल सकें। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं वजीर आजम साहब कि इसके बाद कोई लाश मत देना कराची वालों को, कराची वालों को कोई इस किस्म की हरकत मत करना उनके साथ। अब बहुत हो गया, हम थक गए हैं जनाजे उठा उठा के। यहां बच्चों को देखो, ये भाई है, बेटा रो रहा है, तबाह हो चुका है पूरा खानदान। क्या ऐसा जुर्म किया था इस आदमी ने यार? इतने बड़े बड़े दहशतगर्द आपने अपने पास जेलों में रखे हुए हैं, उनकी तो बेलें हो रही हैं, रहा हो रहे हैं सब, इसने ऐसा क्या कर लिया था? तो ये लम्हा फिक्रिया है हम सबके लिए। मैं एमक्यूएम की बात नहीं कर रहा, मैं अपने बलोच भाइयों, सिंधी भाइयों, पंजाबी भाइयों, सराइकी भाइयों, महाजरों सबसे इल्तजा कर रहा हूं कि इस जुल्म को खत्म होना चाहिए। अब प्राइम मिनिस्टर साहब, अब हमारे मिसिंग पर्सन्स में से आपको वादा करना होगा, आपका बयान आना चाहिए कि अब मिसिंग पर्सन्स में से लाशें नहीं मिलेंगी, अब इस तरह से लाशें नहीं दी जाएंगी। ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री आप हो, आपकी जिम्मेदारी है जानो माल की हिफाजत। आपको कराची के लोगों से वादा करना होगा कि अब ये लाशें नहीं मिलेंगी, और अगर मिली तो आपकी हुकूमत जाने और आप जानो। फिर मैं एज ए डिप्टी कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान आज मीटिंग में खालिद भाई के सामने ये इल्तजा रखूंगा कि अब अगर हमारे मिसिंग पर्सन रिलीज नहीं हुए और इसी तरह लाशें दी गई तो हुकूमत संभालो। फिर हमारे पीछे नहीं आना, हमें बंद करना है बंद कर दें। पहले भी हम बंद हुए हैं बहुत दफा, टॉर्चर हमने भी सहा है, करें टॉर्चर, फिर मारे कौम को पूरा खत्म करें, जान छोड़ें, हमारी भी और अपनी भी जान छोड़वाएं। शुक्रिया बहुत बहुत।